हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम स्टार्ट करते हैं, एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा डीसी सर्किट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डीसी सर्किट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एई का एग्जाम देने जा रहे हो। जेई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आप सीधा बस डायरेक्ट आंसर्स पे जाके टैकल कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, हम डीसी सर्किट की बात करते हैं। डीसी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो क्या हो जाती है, यूनि डायरेक्शनल होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, करंट जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा हमेशा एक ही साइड होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, वो ऊपर की ही तरफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये हो गया आपका डीसी सर्किट, मतलब हर जगह पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, टाइम के साथ में, समय के साथ अगर इसको देखते हो, इसके ग्राफ को, करंट के, ठीक है, तो इसका जो करंट है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। ये मेन वर्ड है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही वर्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने डीसी सर्किट में क्या समझना है कि एक पहली चीज तो ये है कि एक यूनिडायरेक्शनल है। अब जैसे बैटरी की मैं बात कर लूं, बैटरी क्या, इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं, जिसमें जिसमें डीसी करंट होती है वो आपका हो जाता है बैटरी, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये दोनों अगर देखते हो आप, तो ये क्या है आपके, क्या है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं ये। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, इसमें से करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे एक सर्किट देखते हैं हम छोटी सी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, और एक मान लो बैटरी से जोड़ दिया गया, ये क्या है आपकी बैटरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा फास्ट देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, जो जो मेन मेन क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे इनसे रिलेटेड, उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम सेट है। ठीक है, कि आना क्या है इस टॉपिक से, अगर आना है तो ये एक वर्ड आना है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखें क्या है ये, तो जैसे करंट आपका कहां से, इधर से इधर जाएगा, मान लो ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर देखा जाए तो करंट आपका क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से आपका डी की तरफ जाएगा, डी से ई की तरफ, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जबकि एसी में यही क्या हो जाता है, यूनि डायरेक्शनल की जगह क्या हो जाता है, बाई डायरेक्शनल हो जाता है। राइट, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे, जिसमें कि हमें पढ़ना होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल अगर एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनमें पावर का भी हमें देखना होगा कि हाँ, किसमें, सीरीज में पावर को कैसे सम करते हैं और पैरेलल में पावर को कैसे सम करते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है पावर से रिलेटेड, सीरीज एंड पैरेलल को। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल बहुत ही हल्का सा टॉपिक है। ठीक है, आप 9th-10th में भी पढ़ लिए हो, लेकिन अब यहाँ पे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप अगर नहीं इसको पढ़ के जाते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। पावर जब निकालना होगा तो मेन चीज यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पावर से रिलेटेड, जैसे मैं स्टार्ट करके आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या है ये। सबसे बात करते हैं पहले हम रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब हो जाता है कि बैक टू बैक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए। ऐसे मान लो एक R1 ले लिया हमने, एक R2 ले लिया, और ये R3 ले लिया, और इसको एक बैटरी से हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हाँ, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। इसमें क्या है, जो बैटरी है उसके ही सीरीज में क्या है, एक रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, जो कि तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3 ऐड कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो जो आपकी करंट जाएगी I, वो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाने वाली है। भाई यहां पे भी I होगी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, मतलब इन होल सर्किट सीरीज में क्या हो जाता है, करंट जो हो जाती है क्या हो जाती है, सेम। आपको ये वर्ड याद रखना, इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो R1 की कुछ वैल्यू होगी, और ओम्स लॉ आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या है आपका, V1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और यहाँ पे V3 हो जाएगा। पोलैरिटी का खास ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, प्लस है, रजिस्टर आपका हमेशा क्या करता है, ड्रॉप कराता है।
ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कराता है, हमेशा आपके वोल्टेज का ड्रॉप कराता है। ड्रॉप कराने के लिए पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है बैटरी से, ठीक है। मतलब यहां पे आपका अगर ड्रॉप, एक चीज ध्यान रखो कि जहां भी करंट क्या करती है, इंटर करती है, करंट इंटर अगर करे तो आप क्या कर लेना, वहां पे प्लस लगा लेना पहले और बाद में क्या कर लेना माइनस, ठीक है। और अगर करंट लीव करने की बात आ जाए, करंट लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। अगर करंट छोड़ने की बात आ जाती है तो वहां पे इसका जस्ट अपोजिट माइनस से स्टार्ट करके प्लस की तरफ चले जाना। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो करंट इंटर कर रही, पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट इंटर कर रही है। जब इंटर करी तो हमने क्या बोला, यहां पे प्लस कर लो, यहां पे क्या कर लो आप माइनस कर लो। इस रेजिस्टेंस में भी आपकी करंट इंटर कर रही है तो यहां भी प्लस, यहां पे भी माइनस। यहां भी करंट इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है इस रेजिस्टेंस में इधर से, तो जिधर से इंटर करेगी उधर प्लस और जहां से लीव करेगी उधर माइनस। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोलैरिटी को सेट करना। अगर पोलैरिटी आपकी गलत हो गई, गलत सेट हो गई, आपका हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो है वो पोलैरिटी सेट करना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो V1 हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई, आई तो वही है आपका हर जगह है ना, आई इंटू आर वन, ठीक है। वी टू की बात करें तो आई इंटू आर टू हो जाएगा और वी थ्री की बात करें ऐसे ही तो आई इंटू आर थ्री हो जाएगा। इतने में तो कोई समस्या नहीं है। अगर वोल्टेज को देखा जाए, मान लो यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या वोल्टेज मान लेते हैं हम, बी जो बैटरी वोल्टेज है बैटरी का वो क्या है, बी है। तो जो वोल्टेज है अगर इन, अगर ये तीन के तीनों ड्रॉप कर रहे हैं तो आपका जो केवीएल होता है, आगे हम सीखेंगे केवीएल और केसीएल, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका टोटल क्लोज्ड लूप का वोल्टेज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके लूप में जो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, सम ऑफ द वोल्टेज इन एनी लूप क्या होगा, हमेशा वो जीरो होगा, ठीक है। मींस अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आती है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखो, यहां पे आपका चाहे पहले पोलैरिटी ले लो चाहे बाद वाली पोलैरिटी, अगर मैं पहले वाली पोलैरिटी लेता हूं तो माइनस बी यहां पे लिखूंगा, उसके बाद इधर जाऊंगा तो पहले यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस बी वन लिखूंगा, ठीक है। यहां पे जाऊंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस बी टू लिखूंगा और अगले वाले पे प्लस बी थ्री। और हमने क्या कहा, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है अकॉर्डिंग टू द केवीएल, ठीक है। तो जब इस माइनस को अगर आप उधर लेके चले जाओ या फिर इन तीनों को उधर लेके चले जाओ तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। मतलब ये है कि बी बराबर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहां पे B इज इक्वल टू बी वन की वैल्यू यहां से अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। इतने में तो कोई समस्या नहीं है। जरा आप बताओ जो करंट इसमें जा रही होगी वो भी क्या होगी, आई ही तो होगी, ठीक है। अब मान लो इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर ले, मान लेते हैं आर है, ठीक है। क्या है इसका रेजिस्टेंस, आर है, ठीक है, इस बैटरी का। तो यहां पे इसी रेजिस्टेंस आर, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस है यहां पे वो इक्विवेलेंट है उसके, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको आई इंटू आर लिख लूं और इधर आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। इतने में तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। जरा इधर देखो, आई इधर भी है और उधर तीनों में है, तो आई को अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, आई को राइट साइड में कॉमन कर लो आप, तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जरा आप बताओ ये आई से आई कैंसल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। जब आर, अब यहां पे आर देखोगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये बात आपको समझ में आ गई। यही होता है सीरीज में। तो आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये कैसे हो रहा है, रीजन दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, देखना है जब वो चीजें सीरीज में लगी होंगी सीधा आप उसको डायरेक्ट जोड़ देना। तो यहां से आपका अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए या आर इक्विवेलेंट पूछा जाए, ठीक है, तो क्या बताओगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। रीजन क्या दोगे, बिकॉज आप तीनों रेजिस्टेंस क्या है वो किसमें है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बच्चा ध्यान रखना हमेशा, अगर तीन के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट सम हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसी सर्किट में, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अगर मैं इसी सर्किट में पावर की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसी सर्किट में पावर की बात करता हूं तो जरा आप बताओ कि पावर क्या होता है। पावर शक्ति जो हो आपका, पावर पी होता है, वो आई स्क्वायर आर भी होता है, वो वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। इतने में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर आर आ गया है
तो आई स्क्वायर इंटू आर की जगह हम टोटल आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। ध्यान रखना जो आर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब आर इक्विवेलेंट से है, तो यहाँ पे मैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख दूंगा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका पावर का ये मिल गया। लेकिन जब हम बात करेंगे P1 की, अगर इसी में P1, P2 और P3 लिख दें, इसके रिस्पेक्ट में जो पावर है वो P1 है, इसके रिस्पेक्ट में पावर P2 है, और इस तीसरे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो पावर है वो क्या है, P3 है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं P1 की बात करूं, तो जरा आप बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ जरा। आई स्क्वायर आर वन होगा, P2 की मैं बात करूं तो यही आई स्क्वायर आर टू होगा, और P3 की मैं बात करूं तो आई स्क्वायर आर थ्री होगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब जो आपका टोटल पावर की बात करें, इसके रिस्पेक्ट में जो आपका पावर होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसको मैं P टोटल कह लूं, जो आपका P टोटल, इसको मैं P टोटल लिख दे रहा हूं, PT, ठीक है। अगर मैं इसको P टोटल या PT लिख देता हूं तो इस पे आई स्क्वायर, इस पे आर इक्विवेलेंट, इतने में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर हम आई की बात कर लें तो जो आपका आई है वो क्या है, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट ही है ना भाई। जो आई है आपका वो क्या है, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। वी आपका वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट की मैं बात कर लूं तो सीरीज में है क्या है, ठीक है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये भी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूं तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे अगर रखोगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और यहां पे आर इक्विवेलेंट, एक आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कट गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपका पीटी निकल के आ गया, ठीक है। अगर हमें अलग अलग निकालना होगा तो पीटी का मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन पीटी बराबर वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू प्लस वन अपॉन पी थ्री। अगर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं तब ऐसे आपका आ जाएगा, मतलब पी वन और पी टू और पी थ्री में पीटी के साथ में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखना जब वो सीरीज में होंगे तो उल्टा लिखा जाता है पावर, ठीक है। पीटी बराबर वन अपान पीटी बराबर वन अपान पी वन प्लस वन अपान पी टू प्लस वन अपान पी थ्री, ठीक है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, कैसे आया, तो ऐसे आया ये, जरा आप बताओ यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूं, उस चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि वो मैंने डायरेक्ट जो लिखा वो कैसे लिखा, तो कुछ नहीं है वो, ठीक है। आप आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम बोथ साइड में डिवाइड कर दें बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो जरा आप बताओ, अगर हम दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर टू अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये बताओ पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, होता है। तो अगर 1 बाई पी अगर हम देखें तो आर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर अपान बी स्क्वायर दिख रहा है तो इसका मतलब 1 बाई पी के फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी टोटल इज इक्वल टू 1 अपान पी वन प्लस 1 अपान पी टू प्लस 1 अपान पी थ्री। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने क्या चीज बताई, इसका मैंने ओपन करके पूरा हर चीज बता दिया है। आपको दो चीजें ही ध्यान रखना है, पहली चीज तो सीरीज सर्किट में, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि सीरीज सर्किट में जो करंट होती है ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी। जबकि वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, तो इन तीनों में भी वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, लेकिन अगर सेम है रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों में तो फिर वोल्टेज तीनों में सेम होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मेन चीज आपको ध्यान रखनी, करंट सेम होता है, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, अगर आर टोटल या आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आर वन प्लस आर टू जितने लगे सीधा जोड़ दो। तीसरी चीज पावर के बारे में बात किया जाए तो वन अपान पी इज इक्वल टू वन अपान पी वन प्लस वन अपान पी टू प्लस वन अपान पी थ्री वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये कुछ इस पे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिलेशन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और करंट क्या होती है ऑलवेज सेम होती है, ये ध्यान रखना है। इतने से ही आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पैरेलल की।
जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या होता है, जैसे आपका ये वोल्टेज है V, ठीक है, इसने एक रेजिस्टेंस डाल दिया R1, दूसरी डाल दिया R2 और तीसरी आपका R3 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, हमें दो तीन पॉइंट लिखना है। पहली चीज तो जो इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। तो आपको यहां से यहां तक देखोगे ये माइनस प्लस है, तो पोलैरिटी भी वही रहती है आपकी, ठीक है, और वोल्टेज सेम भी होता है, वी वी वी, ठीक है। अगर इसी सर्किट को सिंप्लीफाइड वर्जन में देखो तो तीन के तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से देखते हो आप, कैसे कैसे देखते हो, बिल्कुल ऐसे, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, इसी पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसी पॉइंट से तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, और ये तीनों आपस में कॉमन पॉइंट हो गए इस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सर्किट है और यही सर्किट ये सर्किट है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, R1, R2 और R3। तो तीनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वोल्टेज क्या है, सेम होगा। वहां पे क्या होती थी, करंट सेम होती थी, यहां पे क्या है, वोल्टेज सेम है। यहां पे क्या होता है, पैरेलल में, इन द पैरेलल, इन पैरेलल वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक तो वोल्टेज सेम होता है और दूसरा करंट पैरेलल, करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू से ही करंट को अलग अलग कर दिया जाएगा, है ना, आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है। और मान लो इधर से करंट आई जा रही है तो जो आई होगी वो क्या होगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जरा आप बताओ वहां पे क्या था, वन अपान पीटी बराबर वन अपान पी वन प्लस वन अपान पी टू प्लस वन अपान पी थ्री था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, पी टी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, लेकिन वहां पे आप कंफ्यूज होके थोड़ा गलत भी कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो आपसे गलती जरूर होगी इस, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपसे गलत करवाते हैं, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, उसमें भी नहीं करना है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि हाँ कैसे करना होता है। तो आपको दो तीन चीजें ही ध्यान रखनी होती हैं, एक तो जो आपके एग्जाम में आता है ये चीज पूछी जा सकती है, ये चीज तीन क्वेश्चन इसके ध्यान रखने, तीन उसके ध्यान रखने, एनाफ है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो सीरीज और पैरेलल होते हैं, मान लो दो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, उनपे हम करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसपे हम वोल्टेज कैसे निकालते हैं और उन दोनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कोई दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो R1 और दूसरा R2, ये किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। मान लो आपसे सिर्फ क्या पूछा जाता है, R इक्विवेलेंट निकाल के दो, ठीक है, मींस दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, आपको क्या निकालना है, दोनों रेजिस्टेंस का जो जितनी भी उनकी वैल्यू है उनके हिसाब से उसकी कोई एक वैल्यू बताओ जो इन दोनों को वैलिड कर दे, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे तो आप ध्यान रखना, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का आपको गुणा करना है, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम करना है, ठीक है, तो आर वन प्लस आर टू करना है। सीधी सी बात मैं ये लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट ये तरीका बता रहा हूं कि क्या करना, आप सीधा दो का पैरेलल निकाल लेना, कैसे निकालना, सीधा इन दोनों का गुणा करना, ठीक है, और डिवाइडेड में जोड़ लिख देना, जैसे यहां पे 10 है और यहां पे मान लो 20 है, ठीक है, या फिर 10 इसमें भी है, तो 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा और 10 और 10 का ये 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यहां पे कितना आ गया, 5 ओम आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के आप क्या लिख सकते हो, 5 ओम लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका पैरेलल, लेकिन यहीं पे वोल्टेज की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज हमने क्या बताया था, सेम होता है ना, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर करंट की बात करें तो मान लो ये करंट आई है, इसमें आई टू जा रही है और इसमें आपकी करंट आई वन जा रही है, तो अगर आप देखोगे इसी नोड पे, आप नोड इस पे नोडल लगाओ, इस पे नोड, इस नोड पे केसीएल लगाओ जरा, तो आप केसीएल लगाओ यहाँ पे, ए मान लो ये नोड ए है, ठीक है, तो केसीएल एट नोड ए, अगर मैं इस नोड पे केसीएल लगाऊंगा तो जरा देखो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट होनी चाहिए, इनकमिंग करंट आपकी आई है, आउट गोइंग आपका आई वन है और एक आई टू है, तो आउट गोइंग को आउट गोइंग के साथ जोड़ दो, इनकमिंग अकेले है, अगर और भी होते इनकमिंग को इस साइड जोड़ते, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो
आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर I1 आपसे निकालना पूछ रहा, I1 कैसे निकलेगा, तो जो I1 होगा जरा आप बताओ B अपान R1 होगा कि नहीं होगा I1, ठीक है। ऐसे ही अगर I2 पूछा जा रहा है तो B अपान R2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल सिंपल से जेई में क्वेश्चंस आते हैं, बस आप क्या करो, मतलब एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए चीजों के बारे में। जेई के एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है, ठीक है। एई में तो थोड़ा अंदर तक आता है न्यूमेरिकल, जेई में बस ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपको फास्ट करना होता है, ठीक है। पहली चीज तो आना चाहिए, और दूसरी चीज आना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आना चाहिए, दूसरी चीज उसका स्पीड में आनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे हो एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लो, मैं लेता हूं इधर 100 और इधर लेता हूं 40, ठीक है। इनका अगर आपको पैरेलल निकालना है तो 100 गुणे 40, आप गुणा मत कर देना, ठीक है, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। और 100 और 40 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। ये 0 0 काट दो, 2 2 4, 2 7 14, ये 100 2 200, बाद में गुणा करोगे, बाद में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। डिवाइडेड बाई 7, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 2 14 6 60, 7 7 49 7 8 56, कितना 60 4 60 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 28 सही 4/7 ओम आ जाएगा, कोई एक ऑप्शन होगा आपके पास वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, ठीक है। आगे हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, जैसे आपको ये दे दिया एक ये, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, कह दिया इस पे आर वन है, इस पे आर टू है और इस पे आर थ्री है, रेजिस्टेंस के नाम दे दिया, नोड के नाम दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि आर ए सी निकालो, आर क्या निकालो, आर ए सी निकालो, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आर ए बी निकालो, आर बी सी निकालो, ठीक है। तीन क्वेश्चन ऐसे इसमें से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जब आप आर ए बी निकालोगे या आर ए सी सबसे पहले निकालोगे तो आर ए और सी को ही देखना है आपको, ठीक है, बाकी चीजों को इस वाले नोट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो पूछे उसी नोट को आप ऐसे उंगली रख के पकड़ लो। अच्छा, जब पकड़ोगे तो जरा आप बताओ, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस बीच में ये दिख रहा है भाई, एक साइड सी है एक साइड ए है, ये ए है ये सी है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, नाम क्या है इसका, आर वन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखोगे कि एक रास्ता ये भी है कि जो इधर से घूम के जा रहा है, इधर से जा रहा है तो इससे नहीं मतलब है, ठीक है, कि ये बाहर निकला है, सीधा करंट जो भी आ रही होगी, भाई साहब ये बताओ जरा, आप इधर से ही घूम के चली जाएगी, है ना। तो दूसरा क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि एक ऐसे है उसमें एक रेजिस्टेंस आर टू लगा है और दूसरा रेजिस्टेंस आर थ्री लगा है, यही है ना। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, जब सीरीज में है तो यही क्या हो जाएगी सर्किट आपकी, एक तो आर वन है और इस साइड आपका आर टू प्लस आर थ्री है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका सी है। तो अब देखो पैरेलल में आ गए ना, पैरेलल में आ गए तो आपको सीधा पैरेलल का प्रोडक्ट रूल अभी अभी बताया है, तो आप लगा लो सीधा, आर ए सी जब आपसे निकालने के लिए बोलेगा इन दोनों का गुणा कर लो, आर वन ब्रेकेट में इंटू आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे ब्रेकेट में लिख के मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीनों को जोड़ना है तो डायरेक्ट भी जोड़ लो ऐसे, है ना, तो आपका आर ए सी निकल के आ गया, ठीक है। इस पे जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, इन सब कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगली क्लास में, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में एसएससी जेई या आरआरबी जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन अभी तो नहीं कराया जा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, को आपको बेसिक सबसे पहले आ जाए कि करना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना मैं बिना पेन के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे चुटकियों में, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आर ए सी, समझ में आ गया होगा, आर ए बी की जब मैं बात करूंगा तो जरा आप देखो, एक रेजिस्टेंस ये है और ये दूसरा ये दो ना, ये इस साइड से एक रास्ता ये है, तो अब की बार क्या होगा, आर ए बी जब निकालोगे तो एक तो आर टू है, आर टू पैरेलल में ये दोनों हैं, तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर थ्री
डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे आर ए बी हो, आर ए सी हो गया, आर ए बी हो गया, अगला है आर बी सी। जब आप आर बी सी को देखोगे तो यही दोनों देखना है, ठीक है, ऐसे खींच के पकड़ लिया करो आप। तो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। तो जैसे ये देखोगे ये आपका हो जाएगा आर थ्री पैरेलल में आपका आ गया आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहां तक आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या देखते हैं, ईएमएफ एंड इसमें क्या है, इसमें एक ऐसी चीज है, देखो बहुत बेसिक सी चीज है। मान लो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इधर भी वोल्टेज ई ही है और इधर भी वोल्टेज ई है, ठीक है। अब देखो जरा आप, इस साइड भी वोल्टेज ये है ई है और इधर भी वोल्टेज ये है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज है दोनों क्या है, बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब दो जो करंट फ्लो करती है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि करंट के फ्लो होने के लिए, करंट जो फ्लो होती है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कंपलसरी है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो है तो वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आई। तो जरा आप बताओ, इधर ई है, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ई माइनस ई जब आप निकालोगे तो जीरो आ जाएगा ना, और जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, ठीक है। जो आर में करंट है वो फ्लो करेगी ही नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट के तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, एक और भी हो सकता है कि जिसमें ये बराबर ना हो, राइट। अब होता जैसे है क्या, ये एक मान लो रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, आर वन, और इधर आपका है आर टू, और इधर एक ई है, इधर आपका एक मान लो इस पे वोल्टेज आपको पूछ रहा है प्लस माइनस बी, ठीक है, आपसे बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ई के टर्म में पूछ रहा है। तो जैसे ध्यान रखना, जब ये वाला वोल्टेज निकालना है तो यही वाला रेजिस्टेंस लेना है, जब बी आपको निकालना है जिसपे वोल्टेज रहना चाहिए वही रेजिस्टेंस आप पकड़ो सीधा आर टू, ठीक है। उसके बाद देखो कि सीरीज के साथ में इसके साथ जो भी रेजिस्टेंस है वो जुड़ा है क्या है, तो आर वन प्लस आर टू इसके नीचे चला जाएगा, आर वन प्लस आर टू, और ये वाला जो वोल्टेज है वो लिख दो, बात खत्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है। मान लो ये बी वन होता और आपसे क्या कहता, बी वन निकालो, तो ऐसे निकाल लेते। अब इस पे आपसे बी टू पूछ लेता मान लो, तब क्या करते, ठीक है, जैसे ही आपसे बी टू पूछता आप क्या करते, इसका रेजिस्टेंस लिखते आर वन और टोटल रेजिस्टेंस लिखते आर वन प्लस आर टू, और जो ईएमएफ है वो लिख देते आप गुणा करके, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे देखो जरा, मान लो इन्हीं की वैल्यू दी हो, ठीक है, तब आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। मान लो यहां पे चार ओम है और इधर छह ओम है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी भी होते हैं ये। मान लो इस पे क्या है, सौ वोल्ट है, ठीक है, आपसे बी वन और बी टू की, मान लो इस पे बी वन नाम दे दिया और इस पे बी टू का नाम दे दिया, आपसे बी वन और बी टू पूछा जा रहा है, तो जैसे ही आपको बी टू दिखेगी, बी टू निकालना है, रेजिस्टेंस ऊपर वाला लिखो, बी टू बराबर रेजिस्टेंस ऊपर वाला, फिर दोनों जोड़ लो, छह चार दस, उसके बाद ये जो वोल्टेज है वो गुणा कर लो और इसको काट लो, दस दस छह क्या हो जाएगा, साठ वोल्ट हो जाएगा। इतने में कोई डाउट तो नहीं होगा, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। अब जरा आप ये बताओ कि ये क्या है फिर, तो इसपे क्या है वोल्टेज, रेजिस्टेंस चार है और इसपे नीचे छह चार, छह प्लस चार इसी का मैं लिख देता हूं दस, और इधर सौ, फिर आ जाएगा दस जो चालीस वोल्ट, बहुत इजी लगा होगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब लिखना भी नहीं है, जैसे आपको अगर प्रैक्टिस आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आप ऐसे उंगली देखोगे, क्वेश्चन दिखेगा, सीधा आप आंसर पे जाओगे, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है, छह डिवाइडेड बाई दस इंटू सौ, ठीक है, क्या हो जाएगा, दस दाम में सौ, दस छंग साठ, साठ आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। आगे बात करते हैं, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों समझ में आ गया, अगर ईएमएफ दोनों में ई था, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे नहीं था, तो करंट नहीं फ्लो कर रही थी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए, किसी भी जगह का वोल्टेज पूछा जाए, तो आप पोटेंशियल डिवाइडर से निकाल सकते हो। दूसरा रास्ता होता है केवीएल से भी आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक छोटी सी ब्रिज है जो कि इंस्ट्रूमेंट में भी आप इसको अच्छे से पढ़ने वाले हो, एक नाम है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज,
ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है आपको। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ब्रिज पहली चीज तो जान लो क्या है, एक ब्रिज है ये, ठीक है, एक ब्रिज है। बीच में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, डिटेक्टर भी बोल सकते हो, यहां पे कहीं कहीं डी लिखा रहता है, कहीं कहीं जी लिखा रहता है। तो क्या करता है डिटेक्टर का मतलब होता है करंट डिटेक्ट करता है, इसमें करंट आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये ब्रिज बैलेंस में होगी। तो मान लो इस पे एक वोल्टेज दे दिया गया बी, ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, ये हो गया आर फोर। आपसे क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस आर इक्विवेलेंट। अगर इस ब्रिज का आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको पहली चीज तो बी से मतलब नहीं है, आर इक्विवेलेंट आप तभी निकाल रहे हो जब इसमें करंट जीरो है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में हमेशा करंट की वैल्यू क्या होती है, गैल्वेनोमीटर पे जीरो रहती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। आप क्या करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इनका, ये सामने वाला गुणा करो, ये सामने वाला गुणा करो, और बराबर कर दो, बात खत्म। और कुछ नहीं सीखना आपको इसमें, क्या करना है, आर वन इंटू आर फोर बराबर आर टू इंटू आर थ्री। अगर ब्रिज में, इस ब्रिज में मान लो तीन वैल्यू दी होती और चौथी पूछ रहा होता कि इस पे क्या होगा, तो इसी इक्वेशन से आप निकाल लेते, ठीक है। अगर आपसे आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मान लो ये तो एक इक्वेशन हो गई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो, ठीक है। अगर ये याद रहेगी तो आपका 100% एक नंबर तो पक्का हो जाएगा, ठीक है, आते ही हमेशा क्वेश्चन इस पे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछे, तो मैंने बोला इसमें करंट तो जा ही नहीं है। अच्छा, करंट जब जही नहीं जा रही है तो इसमें कोई वायर की जरूरत है नहीं, जब वायर नहीं लगाओगे इसमें तो देखोगे कि कुछ सर्किट ऐसे दिखेगी आपको, बिल्कुल ऐसे, इस साइड से ओपन है, खाली है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे दिखेगी। इसका नाम क्या है, R1, R2, R3 और R4। यहां तक तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। जरा आप बताओ, इसमें भी करंट वही जा रही है, इसमें भी वही करंट जा रही है जो इसमें जा रही है, जो R1 में जा रही है वही करंट R2 में जा रही है, और जो करंट मान लो इधर I1 जा रही है और इधर I2 जा रही है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई, अब देखो ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लिख सकते हो दोनों को, है ना, कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी सर्किट। तो आपको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, आपको ये ऐसे बार बार करना नहीं होगा। यहाँ पे R1 प्लस R2 कर दो और यहाँ पे R3 प्लस R4 कर लो। अब जरा आप बताओ देखते कि जो R1 प्लस R2 है और जो R3 प्लस R4 है, ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपसे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, R1 प्लस R2 पैरेलल में क्या है, R3 प्लस R4, यही तो है ना। और पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रोडक्ट बताया था कि इन दोनों का गुणा कर लो और नीचे जोड़ लो। तो आप क्या लिख लो, R1 प्लस R2 गुणे R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहां तक आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आपने देखा कि कैसे R इक्विवेलेंट निकाला जा रहा है, और कैसे आपका यहां पे अगर तीन रेजिस्टेंस दिया है और कोई एक अननोन है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तभी भी आप निकाल लोगे। तो आज का काम क्या करते हैं, हम इनपे थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसका आर इक्विवेलेंट निकाल के जल्दी से, और आपका, और एक अननोन निकाल के दिखा के आज की क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है। यहां पे 10 ओम है, यहां पे आर है जो आपको निकालना है, और यहां भी आपका 20 ओम है और इधर आपका 10 ओम है, 10 मत लिखो आप, यहां पे 5 लिख लो, ठीक है। यहां पे 5 ओम है, इधर 20 ओम है, इधर 10 ओम है, आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। यहां पे वोल्टेज एक ई है, तो दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है या डिटेक्टर लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे इग्नोर कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रेम करके आ जाएगा, कहेगा आर की वैल्यू होगी क्या होगी, अब ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो कैसे करना है, मैंने क्या बताया, सामने सामने का गुणा कर लो आप सीधा, बस 10 गुणे 20, फिर इन सामने इन दोनों को आपस में क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करो, जरा 5 गुणे 8, तो यहां से जब करोगे तो 5 गुणे 10 और 20 गुणे 40, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 ओम। देखो कितना इजी था, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ऐसे। दूसरी चीज, जब इसकी वैल्यू मिल गई तो हो सकता है ये वैल्यू पहली चीज पूछे, हो सकता है वैल्यू ही ना दे, कहे इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पहले तो आर निकालोगे, उसके बाद इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा,
तो देखो ये दोनों सीरीज में है क्योंकि अब इसका काम तो है नहीं, ये हटा दो आप, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। तो जब ये दोनों सीरीज में है तो 40 10 50 हो जाएगा इस साइड, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा 20 5 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो जरा आप बताओ 50 गुणे 25 डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ लो, 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, 25 3 75 ये हो जाएगा 50/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 16/3 ओम। समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके आप यहां से थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो, ठीक है। अगर तभी भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, अगली क्लास में मैं आपको वापस से ऐसे क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट आपको जो है वो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आगे हम करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन सीखो कि आप सीधा उंगली ऐसे रखो और क्वेश्चन का आंसर टिक कर दो। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।